हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी के समीप बसा प्रदेश का हृदय स्थल है जिला मंडी, जो अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक पुरातत्व विरासत व समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को अपने में समेटे हुए है। मंडप कहें या मांडव्य, मंडवती कहें या फिर छोटी काशी, ये इस शहर के प्राचीन नाम है। 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन द्वारा स्थापित आधुनिक मंडी प्राचीन समय से ही व्यापारिक केंद्र होने के कारण मंडी नाम से जाना जाने लगा। मंडी की चमकती स्मृतियों में पांडवों द्वारा निर्मित कई मंदिरों ने इस शहर को छोटी काशी के नाम से विख्यात कर दिया है। बाबा भूतनाथ मंदिर, टारना, पंचवक्त्र, व्यास नदी पर बना विक्टोरिया केसरी पुल एवं सेरी चांदनी व दरबार हॉल जैसे वास्तुकला के बेजोड़ नमूने इस शहर की पारंपरिक धरोहर हैं। शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर आज भी मंडी की पहचान में शामिल है। इसके अलावा यहाँ की लोक परंपराएं, लोक जीवन शैली, हस्तकला, खान पान एवं विशिष्ट पहनावे की चमक भी इस रियासत के गौरव को दूर दूर तक फैलाती है। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अपनी परंपरा एवं सांस्कृतिक धरोहर को पूरे विश्व में बिखेरता हुआ एक अमिट पहचान बना चुका है। यही कारण है कि आज मंडी प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी मंडी शहर किसी से कम नहीं। समय समय पर विद्वानों के आगमन से यहाँ ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। आर्य समाज के विस्तार, महात्मा हंसराज के आगमन एवं महात्मा आनंद स्वामी के अज्ञातवास स्थान ने मंडी शहर को और समृद्ध बना दिया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला महात्मा आनंद स्वामी जी का प्रिय साधना स्थल था। वो जब भी यहाँ आते तो अपने शिष्य हिमाचल के प्रथम सत्र न्यायाधीश लाला तेज सिंह वैद्य के यहाँ अवश्य रुकते और अपनी ज्ञानवर्धक बातों से उनका मार्गदर्शन करते। यहाँ से जाने के बाद भी स्वामी जी का लाला तेज सिंह के पौत्र श्रीमान रमन जी से पत्राचार के माध्यम से संपर्क रहता था। ऐसे बहुताई आर्य समाज के महात्मा की चरण धूली से यदि मंडी को आशीर्वाद स्वरूप मिला तो वो है शहर से 3 किलोमीटर दूर जवाहर नगर खलियार कस्बे में स्थित डीएवी विद्यालय, जो मंडी ही नहीं अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रमुख है। तो आइए आपको इस विद्यालय की प्रारंभ से लेकर अब तक की गौरवमयी यात्रा करवाएंगे।